but I'm so frustrated. Hi guys, welcome to the part 2 of our Bali vlog. आज हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे होटल से एंड वी विटनेस द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज एवर. एंड आज के दिन ना मैंने एक इंस्टाग्राम टूर बुक किया था जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. Hi guys. I'm Kadek, I'm from Bali, I'm tour guide here. Welcome and to Bali. Today he's gonna click my pictures. So we woke up at 5 a.m. today. Sangyang Ambu Gate. Okay, so earlier our plan was to go to Lempuyang Temple, but it is closed. Yeah, it is closed till 7th of August. And since we are here at 5 a.m., it's empty. तो सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा होता है और हमारी फ़ोटोशूट अच्छे से हो जाएगी. दिस इज़ द ड्रेस आई एम वेयरिंग, अभी आपको दिखाती हूँ. एंड द व्यू इज़ अमेजिंग गाइस. आते हुए ना रास्ते में इतना सुंदर सनराइज़ देखा है विच वॉज अनरियल. वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे. आज हमें और भी बहुत सारी जगह जाना है. So, आज हमारे साथ पूरे दिन एक ड्राइवर और ये फोटोग्राफर प्लस गाइड भैया रहेंगे जो हमें अलग अलग लोकेशंस पर ले जाएंगे. हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करेंगे. मेरी वीडियोज़ बनाने में उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी. और ये मैंने बुक किया था, एक ऐप है वहाँ पर क्लूक ऐप. तो अगर आप अपनी बाली की ट्रिप प्लान कर रहे हो आप वो चीज़ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने मम्मी के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटोज़ क्लिक की. हेलो गाइस, नाउ वी आर हियर एट द नेक्स्ट लोकेशन. वी आर हियर एट तीर्था गंगा विच इज़ द वाटर पैलेस एंड आई हैव चेंज्ड इनटू माय सेकंड आउटफिट फॉर द डे. आई एम गोना वेयर द ड्रेस अगेन, द पिंक वन, क्योंकि इसके बाद हमें बीच पे भी जाना है. एंड द सैड थिंग इज़ आई डोंट नो, अभी पूरे ब्लैक क्लाउड्स हो गए और अभी ड्रिजलिंग भी हो रही थी. एंड इट इज़ माई फोटोशूट डे, आई डोंट वॉन्ट इट टू रेन. लेट्स जस्ट सी वॉट हैपन्स. आई एम गोना कीप यू गाइज अपडेटेड. अभी चलते अंदर. यहाँ पे आए हुए अभी एक ही मिनट हुआ है, बट दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, इट्स ब्रेड टेकिंग. द वाटर इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर. सारी फिशेज देख रही हैं और बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से. वी जस्ट गोना फीड द फिशेज एंड ट्राई टू टेक सम पिक्चर्स. देखने कैसा टर्न आउट होता है. आपको ये सारी पिक्चर्स देखनी है ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. अभी चलते हैं. गाइज, अभी मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि काले बादल हो गए, बारिश होने वाली है. अभी भगवान ने मेरी सुन ली, एकदम प्यारी सी धूप निकल आई है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आ जाओ मामा. कैसा लग रहा है आपको ये वाली जगह? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है ना. जहाँ जा रहे हैं वही बहुत अच्छा लग रहा है. सच में हर जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ. Hi guys, we are here at the third location for the day and I've changed into my third outfit. And अभी हम लोग आए हैं waterfall. This is Goa Rajo waterfall. यहाँ से ना ट्रैक डाउन करने में बहुत ज़्यादा स्टीप स्टेयर्स हैं. सो आई एम गोना पुट माई कैमरा डाउन और मैं आराम से पहले नीचे पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ. Excited? Yes. Very much. लोग वेट कर रहे हैं. रेस्टोरेंट. आज सुबह से हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोग गए थे मॉर्निंग में उस गेट वाले टेंपल वाली जगह. देन वी वेंट टू अ बीच, देन वी वेंट टू वेयर वाटरफॉल. हाँ, उसके बीच में भी कहीं गए थे क्या? नहीं, ये हाँ वाटर पैलेस.
तीर्थ गंगा. अच्छा, हाँ, हाँ. इतनी सारी चीज़ें कवर किया. सुबह 5 बजे उठने का फ़ायदा हुआ है. अभी लंच करने आए, सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे तो ब्रेकफास्ट बुफे मिस करना पड़ा था. कुछ छोटी मोटी चीज़ें मम्मी ने स्नैक्स रख लिए थे पर ढंग से नहीं खाए. तो अभी हम यहाँ आ गए, देखते हैं क्या वेजिटेरियन ऑप्शन होंगे. कुछ खाते हैं उसके बाद जा रहे हैं हम कॉफ़ी प्लांटेशन देखने एंड फिर मेरी फेवरेट चीज़ बाली स्विंग. पर आज मौसम क्लाउडी ही हो रखा है. अच्छा है तो अच्छी बात है. हाँ बारिश हो रही है बस आई होप मेरे स्विंग पे वीडियो अच्छी बन जाए. लेट्स जस्ट गो. पहले कुछ पेट पूजा फिर आई शो यू. मम्मा हाय. सो बहुत ही ज़्यादा यमी लंच करने के बाद हम लोग आ गए उबुद के कॉफ़ी प्लांटेशन में. ये जगह भी हमारे गाइड भैया ने हमें रेकमेंड की थी और यहाँ पे हमने कॉफ़ी बनने का पूरा प्रोसेस देखा. दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी भी देखी जिसका नाम है लुवाक. उसका बनने का प्रोसेस पता किया एंड उसके बाद ना वो आपको कॉफ़ी सैम्पल्स टेस्ट करने के लिए देते हैं. ये ले सकते हैं. भैया को भी अच्छी लगेगी. एक और आई टेस्ट. ज़्यादा नहीं टेस्ट करूँगी, मेरा टेस्ट खराब हो जाएगा. कड़वी वाली नहीं करूँगी, मीठी वाली करूँगी. कोकोनट. बहुत अलग है. टेस्टी है. आप पी के देखो. पीती हूँ पहले. और देखो और क्या ट्राई करोगे. आप करो अब. आप बताओ कैसा है. वेरी नाइस ना. मैंने मेरे और अपने भाई के लिए ये वनीला कॉफ़ी ली क्योंकि हम दोनों को कॉफ़ी बहुत पसंद है शाम में पीना. एंड फिर हम वहाँ से डायरेक्ट चले गए उबुद के राइस टेरेस और यहीं पे होती है बाली की फेमस बाली स्विंग. बाली आना था तो स्विंग तो करना ही करना था. एंड मैंने मम्मी को भी कन्विंस कर लिया था कि वो भी मेरे साथ करें. वहाँ पर ना आपको रेंट पर ये लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाएंगे तो जब आप स्विंग पर जाते हो तो आपकी ये ड्रेसेस लहराती हैं पीछे और बहुत प्यारा सा लगता है. आई सेलेक्टेड दिस पिंक वन एंड मॉम सेलेक्टेड दिस ब्यूटिफुल येलो वन. पहले मम्मी बहुत डर रही थी और मैं सच बताऊँ वीडियो में इतना पता भी नहीं चल रहा है पर ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है. पर बहुत बहुत मज़ा आया. दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो आपको ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए. Good morning. It is the next day and it's finally time to say bye to Kuta and we are leaving for Nusa Penida today. हमारी फेरी है 10:30 की आई थिंक एंड अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा. पहले नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे. मैंने कैब कल ही बुक कर दी थी. फिर कैब से हमें जाना है पहले कहाँ जाना है. एक तो यहाँ की जगह के नाम मुझे याद नहीं होते. एंड आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही मैं स्नॉर्कलिंग कर लूँ. मुझे बहुत ज़्यादा मन है स्नॉर्कलिंग करने का. स्कूबा डाइविंग तो शायद नहीं करूँगी मैं इस बार. लेट्स सी हो सकता है स्कूबा का भी मन हो जाए पर स्नॉर्कलिंग तो पक्का करनी है मुझे. एंड मैं रेडी हो गई हूँ. बस मम्मा रेडी हो रही है. जैसे मम्मी रेडी होंगी हम चलते हैं. दीज आर आवर आउटफिट्स फॉर टुडे. मम्मी ने वाइट ड्रेस पहनी है, मैंने एक कॉर्ड सेट पहना है. हाय गाइस, वी आर फाइनली रीच नूसा पनीरा एंड एज यू गाइस सॉ हमने होटल में चेक इन भी कर लिया है. वी आर स्टेइंग एट सौमियान बंगलोज एंड यहाँ पे ऐसे वुडन बंगलोज हैं सेपरेट. तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आओ ना, आपके पास पूरा ग्रुप हो तो भी आप यहाँ स्टे कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. अच्छे प्राइस पे मिल गया है हमें एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे सी व्यू है. बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है. ये देखो ऐसे बंगलोज है बगल में और ऐसे ऐसे
एंड पूरा सी पूरा ओशन दिख रहा है। अभी उन्होंने हमें चाय पिलाई थी। जैसे मैंने आपको सुबह बोला था कि मेरा प्लान था स्नॉर्कलिंग करने का, मुझे पता चला अगर स्नॉर्कलिंग करना है तो वो सुबह सुबह जाना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग। तो हमने कल के लिए बुक कर दिया है, टुमारो वी आर गोना गो टू स्नॉर्कल अर्ली इन द मॉर्निंग एंड उसके बाद वो हमें उधर साइड के जितने भी बीचेस हैं वो दिखाएंगे। आज क्योंकि हम आते आते 2 बज गए, लेट हो गए, तो आज मैंने हाफ डे का टैक्सी बुक कर लिया है। एंड आज भी वो बोल तो रहे हैं कि हमें 4 लोकेशंस पे ले जाएंगे, लेट्स सी 3 या 2 पे भी ले जाए तो आई विल बी हैप्पी। द प्लान इज़ टू गो टू डायमंड बीच टुडे, द ट्री हाउस, इंस्टाग्राम फेमस ट्री हाउस एंड 2 और बीच, आई थिंक अतू बीच एंड सम अदर बीच। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जैसे जैसे जाएंगे, बट आई एम सो हैप्पी। यहाँ भी ना जितने भी लोग हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा हम्बल, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही नाइस है। एंड एक चीज़ मैंने देखी कि बाली में ना सबने कुछ कुछ होता है मूवी ज़रूर देख रखी है, तो जब वो देखते हैं कि हम इंडियन हैं तो हमें देख के गाने गाने लगता है कि तुम पास आए यू मुस्कुराए, इनको एक गाना ना अच्छे से याद है, रटा हुआ है, और वही गाना गाते रहते हैं इंडियंस को देख के, बट दे आर वेरी वेरी स्वीट। यहाँ पे आए हुए हमारा 6th डे है और पता भी नहीं लगा यार टाइम इतने जल्दी भाग रहा है, मेरा मन नहीं भरेगा इस जगह से, इज ट्रूली अ पैराडाइज। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Stand up. Good morning, guys. It is the next morning. अभी बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यमी यमी ब्रेकफास्ट था, बनाना पैनकेक्स थे, फ्राइड नूडल्स थे, ब्रेड बटर, यमी कॉफ़ी, टी, सब कुछ था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया है। और अब हम निकल रहे हैं स्नॉर्कलिंग टूर के लिए, हमारे टैक्सी आ चुकी है। स्नॉर्कलिंग जैसे मैंने आपको कल बताया था अर्ली मॉर्निंग ही होती है, तो अभी 8 बज रहे हैं, मैं जल्दी उठ गई थी, रेडी हो गई हूँ, आई एम वेयरिंग माई स्विम सूट, उसके ऊपर शर्ट एंड शॉर्ट्स, ताकि इसको बस उतारूँ और पानी में ऐसे छलांग मारूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्ट टाइम आई वेंट अंडर वाटर वॉज इन अंडमान वाइल स्कूबा डाइविंग। आज एकदम अंडर वाटर नहीं है, स्कूबा नहीं है, स्नॉर्कलिंग ही है, सरफेस पे ही रहेंगे। बट यहाँ की स्नॉर्कलिंग इज़ इक्विवेलेंट टू स्कूबा डाइविंग, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नॉर्कलिंग में ही बहुत सारे फिशेज और बहुत सारे डिफरेंट कोरल्स एंड टर्टल्स सब दिख जाते हैं। होपफुली मुझे भी दिख जाए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। स्नॉर्कलिंग वो हमें 4 लोकेशंस में करने ले जाएंगे, तो मैं अपना GoPro साथ रख रही हूँ एंड मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। बहुत एक्साइटेड हुआ, जल्दी चलते हैं, ये चीज़ अगर आज हो गई माई ट्रिप विल बी सक्सेसफुल। सो वी हैव रीच्ड द पॉइंट, वहाँ पे हमारी आधे घंटे की वेटिंग थी एंड फिर एक बोट पे अराउंड 18 लोग होते हैं और आपको वो 3 जगह लेके जाते हैं, 3 आइलैंड्स जहाँ पे आपको जंप करना है अंडर वाटर एंड यू कैन स्नॉर्कल। नाउ द थिंग इज़, यहाँ आपको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते हैं, दे अज्यूम दैट यू नो हाउ टू स्नॉर्कल। तो अगर आप कंफर्टेबल होना पानी में, अगर आपने पहले कर रखा है तभी आप जाना। मैंने कर रखा है स्कूबा डाइविंग इन अंडमान, सो आई वॉज स्टिल यूज टू इट एंड मैंने फिर भी सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि एक जगह जहाँ मैं गई थी वहाँ बहुत ज़्यादा डीप था पानी। बट दिस वॉज माई फेवरेट टाइम ऑफ द ट्रिप, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, दिस वॉज ट्रूली अ मैजिकल एक्सपीरियंस। हाय गाइस, डन विद द स्नॉर्कलिंग, चेंज कर लिया है, स्किन की हालत एकदम ख़राब हो गई, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गई हूँ, बट इट्स ओके, लगना भी तो चाहिए वेकेशन पे आए। अभी हम लोग आए हैं क्लिंगन बीच एंड आज मतलब स्नॉर्कलिंग के बाद हमारा पूरा डे टूर था। मम्मी हेलो, कैसा लगा आपको? बस मज़ा आई। मम्मी ने थोड़ा सा किया, मैंने तो 3 स्पॉट्स में किया, मैं बहुत यूज्ड टू हूँ पानी के, मम्मी को थोड़ा डर लगता है, फिर भी कर लिया मम्मी ने, मज़ा आया। एंड टर्टल नहीं दिखाया, बट इट्स ओके। अभी देखते हैं ये वाला बीच कैसा है। यहाँ पे जितने भी बीचेस हैं ना, वहाँ पे इट्स मेनली लाइक अ व्यू पॉइंट एंड देन यू हैव टू हाइक डाउन, और वो हाइक डाउन करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो हम इतना अभी तो पानी से होकर आई हूँ मैं, वैसे मेरी बॉडी टायर्ड है, तो मैं हाइक वाइक नहीं कर रही, मैं बस सारे व्यूज़ देखूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। ये जैसा वीडियो में दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा सुंदर था, पर आप देखो रियल बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सब लोग बारी बारी वेट करके फोटो क्लिक कराते हैं लाइन में लग के। एंड हमारे जो गाइड भैया थे ना, उन्होंने हमारी फोटोज पेड़ के ऊपर चढ़ के लिए ताकि वो टॉप एंगल आए, वहाँ पे सब ऐसी पिक्चर्स ले रहे थे।
लास्ट डे नूसा पिनीडा में हमने कुछ नहीं किया, हम रिजॉर्ट में ही थे, मैंने पूरे दिन स्विमिंग की है एंड चिल किया है और नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए कूटा। यकीन नहीं हो रहा है, यू नो इट्स लिटरली इट जस्ट फील्स लाइक अ ड्रीम। बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, जस्ट सो ग्रेटफुल सारी चीज़ों के लिए, ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, मेरे ड्रीम्स रियलिटी में बदल पा रहे हैं। एंड बस होपफुली ऐसे यूनिवर्स मेरे साथ रहे और मैं हर जगह ट्रैवल कर पाऊँ जहाँ जहाँ मुझे ट्रैवल करना है। आई एम जस्ट फीलिंग रियली रियली ग्रेटफुल स्पेशली टू यू गाइज, क्योंकि आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मुझे इनकरेज करने के लिए। अभी इतने सारे DMs आए हैं आप लोगों के, आप लोग इतने खुश हो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, पर मुझसे ज़्यादा खुश आप लोग हो। जब भी मुझे आप में से कोई मिलता है तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस कनेक्शन दैट आई हैव मेड विद यू गाइज, बट इट्स वेरी स्पेशल। अभी बहुत ऐसा इमो वाली बातें हो गई हैं, आपको नज़ारे दिखाती हूँ। And yeah, that was it for our Bali trip. I really hope आपको ये vlog पसंद आया होगा। अगर आपको ये video पसंद आई है इसको like करना मत भूलना, हमारे channel को subscribe करना मत भूलना। And yeah guys, अपना प्यार ऐसे ही देते रहो। And I'm gonna see you guys next time. Bye.